पीएम मोदी जो बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें ठहर कर सुनती है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनकी बोली में अपनेपन का भाव मौजूद है। 15 अगस्त के इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने लाल किले से अपना 10वां भाषण दिया। और यदि पीएम मोदी के भाषण की तुलना अन्य प्रधानमंत्रियों के भाषण से किया जाए तो एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। पीएम मोदी के भाषण की समय सीमा को यदि अन्य प्रधानमंत्रियों की भाषण की समय सीमा के आधार पर देखें तो ये पता चलता है कि अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों में से पीएम मोदी के भाषण की एवरेज ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है। नेहरू जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कुल 17 भाषण दिए जिनका टोटल एवरेज ड्यूरेशन केवल 24 मिनट था। वहीं इंदिरा गांधी के 16 भाषणों में से उनका टोटल एवरेज ड्यूरेशन केवल 31.5 मिनट था। वहीं राजीव गांधी का 47 मिनट और मनमोहन सिंह का केवल 42 मिनट एवरेज ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण पीएम मोदी का कार्यकाल उनसे कम या बराबर होने की स्थिति में भी कई गुना ज्यादा है? तो वो है पीएम मोदी का जनता के प्रति अपनत्व का भाव। पीएम मोदी अपने भाषणों में कभी अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह एक तरफा संवाद नहीं करते, बल्कि उनके भाषणों में हमेशा दो पक्षीय संवाद देखने को मिलता है। पीएम मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देशवासियों नहीं बल्कि मेरे परिवारजनों कहकर संबोधित करते हैं। अब तक के लगभग सभी प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण के दौरान सिर्फ अपनी जो बात लिखकर आए वो बोल देते थे, सुना के चले जाते थे, लेकिन पीएम मोदी अपने भाषणों के माध्यम से अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं, जनता से अपनापन व्यक्त करते हैं, आने वाले समय का रोड मैप प्रस्तुत करते हैं, जो वादे पूरे किए उनकी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। और सबसे जरूरी बात ये कि वो जब बोलते हैं तो जनता को लगता है कोई अपना उनसे बात कर रहा है, इसलिए वो जब तक बोलते हैं पूरा देश टकटकी लगाए उनकी बात को ध्यान से सुनता है। ये है मोदी पावर।